हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिसे हम ओएलपी कहते हैं। यह हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले आपने जैसे चैप्टर्स वगैरह वो देखे हैं हमारे, तो उसमें वायरिंग बताया था हमने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का, फिर उसके बाद थर्मोस्टेट की वर्किंग और उसके कंस्ट्रक्शन। आज हम ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसकी कैसे कंस्ट्रक्शन होती है और वर्किंग ये कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं ओवरलोड। ओवरलोड ये देखिए, सबने देखा हुआ होगा, अगर किसी ने नहीं देख रखा है तो वो अब देख लीजिए। ये इस टाइप का होता है। इसमें आपको एक सिंपल वायर यहाँ पे निकली हुई मिलेगी और एक ये टर्मिनल आपको दिख रहा होगा इस पे, ठीक है। तो ये तो कंप्रेसर पे जाके लगती है, ये जो हम ये देख रहे हैं, और यहाँ पे इनपुट सप्लाई आती है हमारी, ठीक है। और इनपुट सप्लाई आगे जाके इसके अंदर से घूम के और तब हमें आउटपुट पे मिलती है, ठीक है। तो ये देखने में इस टाइप का होता है, ठीक है। ये दूसरा भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये सिंपल सी बनावट होती है, नाम छोटा है, डिवाइस भी बहुत छोटी है ये, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हमारे मेन कंपोनेंट्स किसको, कंप्रेसर को बंट होने से या खराब होने से बचाती है। छोटी सी डिवाइस है लेकिन काम इसका काफी बड़ा है। तो देखिए, इसको पहले हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा देते हैं कि किस टाइप से इसको हम इंटरनली हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जैसे मान लो मेन सप्लाई है यहाँ पे, ये हमने मेन सप्लाई दे दी इसके एक पॉइंट पे, जो अभी हम आप देख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर हमने ये मेन पावर की सप्लाई लेके हम आगे इस टाइप से इसमें आगे। अभी थोड़ी देर में खोल के हम दिखाते हैं इसको, डिसमेंटल करके। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है या एक छोटा हीटर टाइप में आप कह सकते हैं, जो कि घूम के आता है और एक यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पे होता है हमारा, और उसके बाद जो एक आउटपुट की सप्लाई आपने देखी थी इसमें, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से हो गया कि जैसे ये पॉइंट था इसका, ये तो यहाँ पे आ गई, और जो ये पॉइंट था ये हमारा क्या हुआ, ये आउटपुट है, ठीक है। और ये इनपुट सप्लाई है। अब इसके अंदर से ये किस टाइप से घूमती है, ठीक है। ये हमारा इसका एक रेजिस्टेंस हो गए या एक हीटर कह लो इसको छोटा, यहां पे हमारे एक बायोमेटल स्ट्रिप होती है। किसी ने नाम सुन रहा, सबने नाम सुना होगा इसका, एक बायोमेटल स्ट्रिप होती है हमारे, वो इस टाइप से होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, बायो मेटल स्ट्रिप। असली काम इसी स्ट्रिप का होता है। बायो मेटल स्ट्रिप का मतलब है कि इसके अंदर दो मेटल का इस्तेमाल किया गया है, दो मेटल से बन गई, इसलिए इसको हम बायो मेटल कहते हैं। तो दो मेटल कौन कौन सी हैं, एक तो होता है इसमें स्टील, स्टील प्लस कॉपर, या ब्रास भी हो सकता है। तो स्टील तो है ही, और कॉपर हो या ब्रास हो तो ये बायोमेटल स्ट्रिप बन गई। इन दोनों जो हमारी मेटल्स का है वो टेम्परेचर अलग अलग पे फैलती हैं और ये ठंडे होने पे सिकुड़ती हैं, इसलिए इनको लिया जाता है, क्योंकि हमें
इसके अंदर इसी टाइप से की जरूरत पड़ती है, और बीच में यहाँ पे इसके एक बायोमेटल स्ट्रिप होती है, यहाँ एक पेच लगा हुआ होता है जो कि इसको होल्ड करने के लिए बनाया गया है। किसको होल्ड करता है? ये बायोमेटल स्ट्रिप को, ये स्क्रू होता है हमारा जो इसके सेंटर में लगा हुआ होता है। तो ठीक है, ये तो हो गया इसका डायग्राम हमारे ओवरलोड प्रोटेक्टर का। अब हम इस ओवरलोड प्रोटेक्टर को फिजिकली खोल के डिसमेंटल करके देखते हैं कि हमने जो बताया है ये कैसा होता है अंदर से। तो अगर देखते हैं हम इसको, तो फर्स्ट टाइम तो हम ये इस टाइप का होता है। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो पॉइंट था ये वाला, ये तो इस पे इनपुट सप्लाई दी जाती है और ये हमारी आउटपुट है। तो इनपुट तो यहां पे आ गई और आउटपुट हमें इस पे मिल गई जो हम कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे इसको देते हैं सप्लाई को। तो ये कहां पे आती है? कंप्रेसर का जो कॉमन पॉइंट होता है ये CSR, इस टाइप से तीन पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा कॉमन पे आ जाता है ओवरलोड का। तो अब इसको अगर खोल के देखते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये मैंने एक OLP खोला हुआ है, मैं उसको दिखा देता हूं आपको कि इसमें ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये दो वायर थी, ये वाला हिस्सा है, और ये हम देख रहे हैं ये हमारी बायोमेटल स्ट्रिप होती है। ये देख रहे हो, ये बड़ी पतली होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है। ये देखिए, बहुत ही थिन प्रकार की होती है और थोड़ी सी नीचे की तरफ हल्की सी टेपर है। ये आप देख रहे होगे इसको, बहुत ज्यादा एकदम से आपको नहीं दिखाई देगी टेपर, लेकिन ये टेपर होती है। और नीचे इसके ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, कौन से? जो ये दे रखे हैं, एक ये है और एक इस साइड में ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं इसके। ठीक है, ये देखिए, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गए इसके, ये इसका स्प्रिंग होता है इसके बीच में, और ये पेच जिसके सहारे ये होल्ड करके रखते हैं। अभी मैं ये दूसरा भी आपको खोल के दिखा देता हूं, उसमें और ज्यादा आपका क्लियर पोजीशन हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने साइड से इसको तोड़ दिया है, बैकलाइट की सीट होती है इसके चारों तरफ, तो मैंने उसको तोड़ दिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये अंदर से कॉन्टेक्ट पॉइंट इसमें टच हो चुके हैं। ये देख रहे हैं, ये बायोमेटल स्ट्रिप जो आप देख रहे हो, इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट दोनों यहां टच हो चुके हैं, जो नीचे इसके अंदर है इस स्ट्रिप के, ये नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको और एक यहां दिखाई दे रहा है, और आपको ये हीटर टाइप से में भी नजर आ रहा होगा इसमें। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है जो आपको, ये चीज, ये हीटर टाइप में होता है, रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे ये इनपुट का है आपका पॉइंट, मैंने बताया था इनपुट का यहां पे गया हुआ है अंदर, ये सामने दिख रहा है। ठीक है, और इस पे से ये हीटर जुड़ा हुआ है, थोड़ा नजर आ रहा होगा आपको, देखिए। ठीक है, ये हीटर यहां से गया हुआ है, यहां से घूमता हुआ एक इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे ये स्ट्रिप का कोना इस पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके स्ट्रिप से होती हुई सप्लाई कहां पे आती है? इस दूसरे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आती है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। ये देखिए,
इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आ जाती है। कौन से कॉन्टैक्ट पॉइंट से? ये इससे, ये यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ जाती है, और ये सप्लाई कहाँ पे जाती है? ये आउटपुट, ये वाली जो है ये हम आउटपुट कहते हैं। अब आप इसको देखेंगे तो यही डायग्राम हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है कि इनपुट सप्लाई इसके अंदर आ गई है, और यहाँ पे ये हीटर के अंदर से होती हुई छोटी जो रेजिस्टेंस है होती हुई इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आएंगी। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से सप्लाई क्या होगा? ये यहां से यहां पे जाएगी और हमें कंप्रेसर पे ये सप्लाई मिल जाएगी। अब होता क्या है कि ये दो टाइप पे काम करता है। एक तो करता है ये टेम्परेचर पे, किस पे काम करता है? एक तो टेम्परेचर बेस्ड पे काम करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, कि कंप्रेसर के साथ ये अटैच होती है, ये इस टाइप से मान लो ये कंप्रेसर की बॉडी है और ये इसके साथ में इस टाइप से हम लगा देते हैं, इसको एक पत्ती होती है जो इसको टच करके रखती है। जब ये कंप्रेसर की बॉडी किसी कारण से गर्म हो जाती है, यानी कि चलते चलते थोड़ा इसमें करंट ज्यादा आ जाए, या लो करंट में हो, या इसके अंदर जो लुब्रिकेंट है उसमें कुछ कमी आ गई है, तब ये क्या है, हीटअप हो जाएगी इसकी बॉडी, कंप्रेसर काफी गर्म चलेगा। तो गर्म चलता है, तो गर्म होने के बाद ये पत्ती उसको हीट को सेंस करती है, टेम्परेचर को सेंस करती है, और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को जो टच होते हैं यहां पे, ये मान लो यहां पे टच है, दोनों पॉइंट टच है, तो ये टच से क्या होगा, गर्मी होने के कारण ये उठ जाएगी और ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये टेम्परेचर पे काम करेगा और दूसरा किस पे काम करेगा? ये करंट पे काम करेगा। करंट पे कैसे काम करता है कि जब यहां से सप्लाई आती है, अगर एम्पियर ज्यादा बढ़ गए, यानी कि किसी कारण से एम्पियर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जो ये है इसमें रेजिस्टेंस बढ़ने कारण रुकावट पै जाती है और ये गर्म हो जाता है। ये हीटर जैसे हमने घरों में छोटे हीटर वगैरह चलते हुए देखे हैं, तो वो क्या है, रेड हॉट हो जाते हैं। तो रेड हॉट होके क्या हुआ, जो इसके नीचे ये हीटर लगा हुआ है, ये इसको गर्म कर देगा, किसको, बायोमेटल स्ट्रिप को, और ये स्ट्रिप गर्म होके फिर ऊपर उठ जाती है। तो इस टाइप से ये टेम्परेचर पे काम करेगा और करंट पे काम करेगा। टेम्परेचर कहां से, जब कंप्रेसर जो यहां पे इसकी बॉडी के साथ टच होगा ओएलपी, तब ये गर्म होके पत्ती ऊपर उठ जाएगी, या पीछे से करंट ज्यादा आ जाता है, एम्पियर बढ़ जाते हैं, जैसे एक नॉर्मल रेट पे ये काम करता है 0.7 या 0.8 पे एक रेफ्रिजरेटर काम करता है। अगर ये 1 एम्पियर हो जाएगा, अगर ये 1 एम्पियर हो जाए या 1.2 एम्पियर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये चीज गर्म हो जाएगी, जो हमारी ये रेजिस्टेंस है, जो छोटा हीटर है, ये रेड हॉट हो जाएगा और इस पत्ती के नीचे टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर ये उसको उठा देगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से काम करता है। अभी हम देखेंगे इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि किस टाइप से ये पत्ती के कॉन्टेक्ट पॉइंट अलग होते हैं। ये हम इसको अभी टेम्परेचर दे के देख लेंगे, ठीक है, और आपको एक टक से आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है, ये अभी देखो कॉन्टेक्ट पॉइंट इसके आप देख रहे हो जुड़े हुए हैं। जब मैं इसको हीट करूंगा, किससे, तिल्ली जला के जब मैं इसको हीट कर देता हूं, तो ये देखना है कॉन्टेक्ट पॉइंट दोनों ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और सप्लाई जो यहां से यहां पे आ रही थी वो कट हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल आप कोई थर्मोस्टेट अगर आपके पास है तो उस पर भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे। ये देखिए, अब मैं ये देख रहा हूं टक की एक आवाज आई थी और दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट अलग हो चुके हैं, ये देख रहे हो। अब ये ठंडे होके वापिस अपनी पोजिशन में चले जाएंगे। अभी धीरे धीरे अपने आप इसको ठंडा होने दे,
एक आध मिनट का टाइम होता है, या तो हम इसको ये देखिए वापस चले गए ना अपने कॉन्टेक्ट लाइन, और एक टक से आवाज आई इनके टकराने की और अलग होने की। अभी मैं दोबारा आपको एक बार फिर दिखा देता हूं, ठीक है, इसमें आप खुद हाथ नहीं जला लेना। ये अभी देखो अभी तो क्या है इकट्ठे हो गए, अब ये देखो मैं गर्म करता हूं इसको, ये देखो ये क्या है कॉन्टेक्ट पॉइंट आपके फिर से अलग हो गए। अब ये ठंडे होंगे तो कॉन्टेक्ट पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे, इसका मतलब सप्लाई चालू हो जाएगी। यही काम है इसका कि ये सप्लाई को कट करता है, ये सीरीज में लगता है एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे, ठीक है, जैसे कि थर्मोस्टेट है। और देखो जुड़ गए हैं ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, यही काम होता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल और इसका हम कर लेते हैं, बायोमेटल स्ट्रिप जिसमें दो मेटल होती हैं, एक होती है स्टील और एक कॉपर या ब्रास, दोनों की मात्रा अलग अलग होती है, बहुत ही पतली सी इसमें एक प्लेट टाइप में होती है, शीट होती है बायोमेटल स्ट्रिप जिसको हम कहते हैं। अभी एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल हम देखते हैं, ये देखिए इसमें हमने ओवरलोड को सीरीज में जोड़ रखा है, दो सप्लाई है इसमें, एक वाली ये सप्लाई है, ये इसके अंदर से होके यहां से और ये बाहर जा रही है एक बल्ब में और एक दूसरी उसमें लगी हुई है, ठीक है। अभी इसको हम सेम वैसा ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि मान लो इसमें यहां पे ये गर्म होके और ट्रिप मार जाती है तो हमारा क्या होगा, सप्लाई कट होगी तो बल्ब बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये मान लो आपका कंप्रेसर की जगह है तो कंप्रेसर आपका बंद हो चुका है, अब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा तो सप्लाई को फिर से चालू कर देगा जिससे कि हमारा कंप्रेसर हो जाएगा बल्ब ऑन। अब उसके जगह हमने बल्ब को रखा हुआ है, अब ये ठंडा करेंगे इसको, अगर ऐसे जल्दी ठंडा नहीं होता हम इसको हल्की सी फूंक मार देंगे, ये देखिए सप्लाई फिर से चालू हो गई है, जो फंक्शन हमने आपको इसमें दिखाया था वो फंक्शन आपका इससे चालू हो गया, ठीक है। तो इसकी हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि इसमें सप्लाई आ रही है या जा रही है, इसको टेस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास ये क्लैंप मीटर है जिसके अंदर अलग अलग चीजें दी गई है, ये हमने इसको ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद ये अभी वोल्टेज पे है, मैं इसको धीरे धीरे कंटिन्यूटी पे लेके जाऊंगा, अभी देखते हैं इसको एक सेकेंड, ये बंद कर देते हैं, इसकी रोशनी में हम दिखाई नहीं दे रहा है साफ, ये आप देख रहे हो अब, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंटिन्यूटी पे करूंगा, ये है कंटिन्यूटी का बटन हमारा, ये देख रहे हैं जो ये चीज है ये कंटिन्यूटी शो करती है आपकी, और इसमें ये दिखाया गया है, ये आपके सामने यहां पे अब कंटिन्यूटी पे मैंने कर दिया है इसको, ये बीप की साउंड आ रही है आपको, नीचे कुछ रीडिंग्स भी दिखा रहा है, ये देख रहे हो ये बीप की भी साउंड आ रही है। अगर ये ओवरलोड ठीक है, हम इसको चेक करते हैं, अगर ये ओवरलोड ठीक होगा तो ऐसी साउंड इसमें शो करेगा, इसको हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कहते हैं, और इसकी ठीक है कि या नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं, ये आवाज आ रही है इसकी ठीक, इसका मतलब ओवरलोड ये हमारा ठीक है। अगर ये कट हो जाएगा जो हमने अभी माचिस से हीट लेके किया था, तब उस टाइम ये कंटिन्यूटी नहीं बोलेगा, ये टक की आवाज आ गई है इसकी, और अभी कंटिन्यू चेक करेंगे तो ये क्या देख लीजिए कंटिन्यूटी नहीं बोल रही। अब ये जब बायोमेटल स्ट्रिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी ठंडी होने के, तो बीप की आवाज आएगी,
ये देखिए, ये अब बीप की साउंड इसमें आ गई है। तो ये इसका टेस्टिंग करने का तरीका है हमारा, तो इस टाइप से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा है कि ओएलपी क्या है, ओएलपी क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, किस टाइप से ये काम करता है। दो चीजों पे ये काम करता है, टेम्परेचर पे और करंट पे, ठीक है। और बायोमेटल किस लिए कहते हैं कि दो इसमें मेटल होती है, स्टील और कॉपर, जिनसे ये बायोमेटल स्ट्रिप बनती है। इसी का सारा काम है। और ये कि सेफ्टी डिवाइस है जो कि सीरीज में लगती है, जो टेम्परेचर करंट बढ़ने पे कंप्रेसर की सप्लाई को कट कर देती है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है ये। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू।